हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने एक शॉर्ट फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ताकि कम समय में आप बेहतरीन कहानी का आनंद उठा सकें। हम आपको बता दें कि शॉर्ट फिल्म्स होती तो छोटी हैं लेकिन इनमें काफ़ी डीप मीनिंग्स इनकोडेड होते हैं। तो आज की फिल्म है रूम 8, जिसको डायरेक्ट किया है जेम्स डब्ल्यू ग्रिफिट्स ने। हम पहले आपको पूरी कहानी बताएंगे, फिर इस कहानी के पीछे के साइकोलॉजी या इस कहानी की एंडिंग्स को समझाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक गार्ड इवस नाम के आदमी को जेल में ले जा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम माचिस की डिब्बी को हिलते हुए देखते हैं और एक शियोश नाम का आदमी उस डिब्बी को उठाकर ड्रॉअर में डाल देता है। इवास, जिसको हम पहले सीन में देखे होते हैं, गार्ड उसे एक सेल में ला के डाल देता है। इस सेल में पहले से ही शियोश नाम का आदमी होता है। गार्ड जाते वक्त इवास को हैप्पी बर्थडे बोलता है। इवास शियर्स को उसका नाम पूछता है लेकिन शियर्स कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर इवास उस रूम में पड़ी चीज़ों को छूता है और सियर्स उसे उन चीज़ों को छूने से मना कर देता है। इवास के बेड पे एक रेड बॉक्स पड़ा होता है, वह उसे खोलने ही वाला होता है तभी सियर्स उसे मना कर देता है। फिर इवास पूछता है क्यों नहीं, तो सियर्स उसे बोलता है कि इस बॉक्स को मत खोलना वरना बहुत पछताओगे। इवास एक स्माइल के साथ उसे इग्नोर कर देता है और उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स जब खुलता है तो हम देखते हैं कि वह बॉक्स एकदम इस सेल जैसा ही होता है जिसमें ये दोनों होते हैं। इवास शियर्स से पूछता है क्या तुमने इसे बनाया। शियर्स कोई रिप्लाई नहीं देता है। जब इवास उस बॉक्स में हाथ डालता है तो उसका होश उड़ जाता है। वह देखता है वैसे ही एक हाथ उसके सेल में ऊपर से आ रहा होता है। वह ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस सेल के बाहर बिल्कुल ऐसी ही एक दुनिया है जैसे मानो पैरेलल वर्ल्ड हो। इवास शॉक्ड हो जाता है और फिर वह शियर्स से बोलता है कि यह पहले क्यों नहीं बताया। शियर्स जवाब देता है अगर मैं तुम्हें पहले बताया होता तो तुम बिलीव नहीं करते। इवास कुछ सोचता है और दीवार के किनारे जाके खड़ा हो जाता है और शियर्स को बॉक्स खोलने को कहता है। जैसे ही बॉक्स खुलती है ऊपर की छत भी खुलती है और इवास अपनी सेल से कूदकर भाग जाता है। इवास सोचता है छोटे होने के कारण वह प्रिजन से भाग सकता है और अभी वह भाग ही रहा होता है तभी शियर्स उसे माचिस की डिब्बी में कैद कर लेता है और अपने टेबल के ड्रॉअर में डाल देता है जहाँ पहले से बहुत सारे कैदी बंद होते हैं। फिर शियर्स गॉड को दूसरे कैदी को भेजने को कहता है और इससे पता चलता है कि गॉड शियर्स से मिले हुए हैं। इस कहानी को हम डीप में समझें तो हमें पता चलेगा कि राइटर कहना चाहता है कि हम अपने प्रॉब्लम से हमेशा भाग नहीं सकते। जब भी हम अपने प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं हम किसी बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं। और ख़ास करके जब भी हम कोई शॉर्टकट्स चूज़ करते हैं जैसे कि इवास के साथ होता है। और मेरे ख्याल से इस फिल्म का नाम रूम 8 इसलिए रखा गया क्योंकि नंबर 8 को उल्टा कीजिए या सीधा वह एक जैसा ही दिखता है, वैसे जैसे इस कहानी में सेल होता है। हम आपको बता दें कि ये कहानी बहुत हद तक क्रिस्टोफर नॉलन की शॉर्ट फिल्म डूडलबग से मिलती है जिसको हमने इस चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको उस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उस मूवी को देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन और आपकी क्या थिंकिंग है स्टोरी को लेके कमेंट में ज़रूर बताइएगा।